प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज कंट्रोल पैलेट? कंट्रोल पैलेट क्या है? द कंट्रोल पैलेट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स। तो कंट्रोल पैलेट जो है वो डिस्प्ले करेगा प्रॉपर्टीज, जो भी करेक्टर्स यानी कि टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया होगा उसकी। ठीक है, टू ओपन कंट्रोल पैलेट क्लिक ऑन विंडोज मेनू एंड सेलेक्ट शो कंट्रोल पैलेट ऑप्शन। टू ओपन कंट्रोल पैलेट, अगर कंट्रोल पैलेट को हमने ओपन करना है तो उसके लिए हमें विंडोज मेनू है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर शो कंट्रोल पैलेट की ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। वैसे तो ये डिफॉल्ट ओपन ही होता है एडोब पेज मेकर के अंदर। ठीक है, मान लो अगर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसको हम विंडोज मेनू के अंदर जाके वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट वर्क्स इन टू मोड्स। कंट्रोल पैलेट जो है वो दो मोड पे काम करती है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मोड और सेकंड जो है वो करेक्टर एंड पैराग्राफ मोड। ठीक है, दो मोड पे काम करती है ये, एक ऑब्जेक्ट मोड पे करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मोड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे ड्रॉ किया होगा, कोई पिक्चर होगी, कोई शेप होगी, तो वो ऑब्जेक्ट मोड हुआ। उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर हमने कोई वर्ड्स लिखे होंगे, टेक्स्ट लिखे होंगे या पैराग्राफ होगा, ठीक है, तो उसके लिए इसका अलग मोड है, करेक्टर एंड पैराग्राफ मोड। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल पैलेट। तो एड अ पेज मेकर को मैंने ओपन करके ही रखा हुआ था, ये यहाँ पे मेरा टूल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी की सारी पैलेट्स हैं, ये कलर पैलेट है, यहाँ पे पिक्चर्स पैलेट है, यहाँ पे स्टाइल पैलेट साथ में रहेगी, ये है हमारा कंट्रोल पैलेट। ठीक है, अब मैं टूल बॉक्स से एक टूल लेके, ये यहाँ से मैं एक टूल ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ड्रॉ करता हूँ तो ये बन जाता है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होंगी वो होंगी इस कंट्रोल पैलेट के अंदर। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, मान लो इसकी हाइट है, इसकी ब्रेथ है, ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा इस ऑब्जेक्ट की, इसको हम कंट्रोल पैलेट बोलेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज का कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं इसके सारे पॉइंट्स। कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड। अब कंट्रोल पैलेट जो है ऑब्जेक्ट मोड में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा। अ कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज सच एज इट्स पोजिशन, साइज, स्केलिंग, क्रॉपिंग, प्रिंटर रेजोल्यूशन, रोटेटिंग, स्क्यूइंग एटसेट्रा। ठीक है, तो कंट्रोल पैलेट जो है ऑब्जेक्ट मोड में हमें ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा, जैसे कि इट्स पोजिशन, उसकी पोजिशन कहाँ पे है पेज में, उसका साइज, उसकी जो स्केलिंग है, उसकी जो क्रॉपिंग है वो भी, प्रिंटर रेजोल्यूशन, रोटेटिंग या स्क्यूइंग। स्क्यूइंग मतलब कि उसको टेढ़ा मेढ़ा करना, वो सारी चीज़ें। अब इसकी जो भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है जैसे ए हाइट विड्थ, H is used to change the height and W is used to change the width of the object. ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखो, ये width, ये height, यहाँ पे भी हम enter करके इसको change कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा process ज़्यादा है, लेकिन mouse से अगर हम इसको change करेंगे तो वो fast होता है। ठीक है, जैसे select किया, इसकी height change करो, width change करो, ठीक है, scaling बदलो इसकी, वो सारा का सारा यहाँ से automatic हो जाता है mouse से, यहाँ पे बार बार enter करने की जरूरत नहीं है। यानी कि W जो इसकी width show कर रहा है, एच जो इसकी हाइट शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड पे आता है इसका, सेकंड जो एट्रीब्यूट वो है रोटेट, इट इज यूज्ड टू चेंज द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस। ठीक है, अब जो रोटेट है वो चेंज करेगा ऑब्जेक्ट की रोटेशन को अराउंड एन एक्सिस, जो भी इसके एक्सिस है उसके चारों ओर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन है हम चेंज करेंगे यहां से, ये इसकी रोटेशन। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये इसकी रोटेशन को चेंज करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉक करो, ठीक है, यहाँ से इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी, और यहाँ से इसकी स्क्यूइंग है, यानी कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करना, तिरछा करना। ठीक है, पहले तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्कीविंग इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। स्कीविंग में हम ये इसको इस तरह से तिरछा करते हैं। ठीक है, चाहे इस साइड को कर लो, राइट करो, चाहे लेफ्ट लेफ्ट साइड कर लो,
ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ये तिरछा करता चलेगा जितना आपको चाहिए ऑप्शन। तो ये है इसका रोटेट और स्क्यू, इट्स लाइक द ऑब्जेक्ट इन डिग्रीज। अब है हमारे पास डी पॉइंट एक्स वाई पोजीशन। एक्स वाई पोजीशन इज यूज टू सेट एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ये कंट्रोल रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पे सेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम जैसे मान लो यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी एक्स और वाई पोजीशन चेंज करनी होगी तो यहाँ से, ठीक है, इस तरह से इसको हम मूव कर सकते हैं एक्स वाई पोजीशन पे। ठीक है, एक्स वाई पोजीशन। तो ये था ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोल पैलेट इन करेक्टर टेक्स्ट मोड। द करेक्टर पैलेट इज डिस्प्ले व्हेन द टेक्स्ट टूल इज सिलेक्टेड। अब ये जो कंट्रोल पैलेट है करेक्टर मोड में काम करेगी जैसे हम वहां पे कोई टेक्स्ट टूल यूज करके टेक्स्ट वहां पे एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो मोड है कंट्रोल पैलेट का, ये करेक्टर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द करेक्टर पैलेट इज डिस्प्लेड देन द टेक्स्ट टूल इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो करेक्टर पैलेट तब डिस्प्ले होगी जब हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। इट हैज ऑप्शन टू चेंज द टेक्स्ट स्टाइल, साइज, लीडिंग स्पेस, ट्रैकिंग विड्थ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने की, उसका साइज, उसका जो स्पेस है उसको, उसको विड्थ को ट्रैक करना। ठीक है, ये रहेंगे हमारे पास करेक्टर मोड में इसके लिए जो भी चेंजेस हैं, जो भी इसका कंट्रोल रहेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा पैराग्राफ मोड। अ कंट्रोल पैलेट इन पैराग्राफ मोड इज यूज्ड टू चेंज द पैराग्राफ स्टाइल, अलाइनमेंट, इंडेंट, स्पेसिंग, ग्रिड स्पेसिंग एंड ग्रिड अलाइनमेंट। ठीक है, अब कंट्रोल पैलेट जो है वो पैराग्राफ मोड में क्या कर सकता है, यहाँ पे हम पैराग्राफ का स्टाइल, उसकी अलाइनमेंट, उसकी जो इंडेंटिंग है, इंडेंटिंग जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, बीच में जो उसका जो स्पेस होता है, उसके ग्रिड ग्रिड स्पेसिंग जो है, उसकी ग्रिड अलाइनमेंट जो है, वो सारी की सारी जो है पैराग्राफ मोड के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो कंट्रोल पैलेट जो है वो ऑब्जेक्ट मोड में इस तरह से डिस्प्ले कर रहा था, अब ये टेक्स्ट मोड में कैसे डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट टूल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो एरो पेज मेकर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा और इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग थी, यहाँ पे देखो कंट्रोल पैलेट में सारा का सारा कंट्रोल जब वो चेंज हो गया टेक्स्ट मोड में। ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट किया, स्टाइल बदलो, साइज बदल लो। ठीक है, यहाँ से बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है हमें चाहिए वो सारा का सारा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट मोड में। अब बात करते हैं पैराग्राफ मोड की। तो पैराग्राफ मोड के लिए यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको ये पैराग्राफ मोड में डिस्प्ले करेगा। पहले मैं इसका साइज कम कर देता हूँ पैराग्राफ मोड को देखने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे पैराग्राफ मोड में इसकी अलाइनमेंट डिस्प्ले करेगा ये। ठीक है, ग्रिडिंग डिस्प्ले करेगा, अलाइनमेंट डिस्प्ले करेगा। तो ये पैराग्राफ मोड में सेम वैसे ही जैसे एमएस वर्ड के अंदर होता है। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो ये था ऑब्जेक्ट करेक्टर मोड के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज कलर पैलेट, कलर पैलेट क्या है। द कलर पैलेट इज यूज टू अप्लाई डिफरेंट कलर्स ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब जो कलर पैलेट है उसका काम है तरह तरह के कलर्स को हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें। ठीक है, तो कंट्रोल इसकी जो कलर पैलेट है वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ये इसका कलर पैलेट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर जो कुछ भी चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्टाइल पैलेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज स्टाइल पैलेट। द स्टाइल पैलेट इज यूज्ड टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। अब जो स्टाइल पैलेट है इसका काम होगा कि हम तरह तरह के स्टाइल जो है वो टेक्स्ट और पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अ बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑल्सो यूज टू सेट डिफरेंट सेटिंग टू टेक्स्ट सच एज टैब, स्पेसिंग, फॉन्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब जो स्टाइल पैलेट है इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, स्टाइल पैलेट हमारे पास दो तरह से रहेगी।
एक तो जैसे स्टाइल पैलेट में जो भी हम चीज़ अप्लाई करेंगे वो सिर्फ टेक्स्ट और पैराग्राफ के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट ये जो बाकी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टाइल पैलेट में हमारे पास जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे भी रहेंगे, ये आ गया इसका टेक्स्ट मोड पे, ठीक है। तो टेक्स्ट मोड में हमारे पास यहाँ पे इसकी जो स्टाइलिंग है यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे स्टाइल पैलेट्स है, यहाँ पे देखो इसका कैप्शन है, इसका जो इंडेंट है, हेडिंग है, जो भी हम चीज अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये थोड़े बहुत स्टाइल्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक ही काफी था, कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।